मैं अमरीन खान, औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। कंत्राटी कामगारों को सेवा में कायम कर मानधन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बेमुदत आंदोलन जारी। मनपा की ओर से इलीगल नल कनेक्शन काटने की चल रही है कार्रवाई। कौन है गरीबों को मुसीबत में डालने के पीछे? अबू हसन हाशमी ने उठाया सवाल। संविधान दिवस के अवसर पर भड़कल गेट से क्रांति चौक तक होगा जन जागृति का कार्यक्रम। मृत शहजाद के पिता ने जांच की मांग करने पर कब्रिस्तान से शहजाद की बॉडी निकाल कर जांच के लिए की रवाना। लेजर कॉन्टूरा के बारे में डॉक्टर प्रकाश कांकरिया ने दी पूरी जानकारी। कंत्राटी कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन कम होने के कारण बच्चों के स्कूल के फीस, दवाखानों का खर्च, हर रोज लगने वाले जीवनावश्यक वस्तु का खर्च जैसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कंत्राटी कर्मचारियों का मानधन बढ़ाकर देने तथा परमानेंट करने की मांग को लेकर 7 नवंबर से राष्ट्रीय आरोग्य अभियान समायोजन कृति समिति महाराष्ट्र शासन की ओर से बेमुदत काम बंद आंदोलन किया जा रहा है। एनएचएमचे जवळपास 1000 पेक्षा जास्त कर्मचारी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये उपोषणाला म्हणजे धरणे आंदोलनाला बसलेले आहेत। त्यांची जी मागणी आहे की त्यांना आपल्या शासकीय सेवेमध्ये कायम करायचं आहे, त्याच्यानंतर त्यांना समान काम समान वेतन द्यायचं आहे आणि त्यांच्या ज्या इतर काही मागण्या आहेत ज्या रेग्युलर कर्मचाऱ्यांना सोयीसुविधा मिळतात त्या त्यांना देण्यात याव्या। तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेने त्यांच्या या मागणीला पाठिंबा दर्शवलेला आहे, तशा प्रकारचं पत्रसुद्धा आम्ही शासनाला दिलेलं आहे। तरी शासन नक्की त्यांच्या मागण्यांवर विचार करेल, जसं शासनाने आमचे माननीय आरोग्यमंत्र्यांनी त्यांना आश्वासन दिलेलं आहे की 30% प्रमाणे 3 वर्षामध्ये त्यांना सर्वांना परमनंट शासकीय सेवेमध्ये घेणार आहेत। तरी त्यांची मागणी आहे की जोपर्यंत ते होत नाही तोपर्यंत समान काम समान वेतन त्यांना देण्यात यावं। तरी शासनाला मी मायावतीने अशी विनंती करतो की तात्काळ त्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने लक्ष देऊन त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात आणि त्यांना न्याय द्यावा। डॉक्टर अभय धानोरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर। आरएफ कॉलनी एरिया में महानगर पालिका के इलीगल वाटर कनेक्शन पथक की ओर से इलीगल नल कनेक्शन कट करने की कार्रवाई की गई। 11 इलीगल कनेक्शन कट किए गए जिसमें से 7 नल कनेक्शन धारकों के पास उसकी रिसिप्ट मौजूद है। ये जानकारी वाटर कनेक्शन पथक के पथक अभियंता रोहित इंगले इन्होंने दी। सरकार की अभय योजना में गरीब जनता को कम पैसों में नल कनेक्शन दिए जा सकते हैं। बिना नोटिस दिए गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है, ऐसा MIM के कॉर्पोरेटर अबुल हसन हाशमी इन्होंने कहा। तो यहाँ पे आके परिस्थिति देखा मैंने तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और उन्होंने यहाँ से वहाँ तक जो है JCP से तोड़ दिया। मैंने पालक साहब जिनके बोलने पे कार्रवाई चल रही है मैंने उनसे बात की, कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाया, कमिश्नर साहब ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। ये बहुत ही गलत बात है कि पहले तो यहाँ पे जो इन्होंने कनेक्शन तोड़े इनको ये जानकारी ही नहीं है कि इनके पास पौती कितने भरे हुए हैं। आपके सामने उन्होंने कहा 11 कनेक्शन इन्होंने तोड़े जिसमें से 7 लीगल कनेक्शन है जिसके पौती भरे हुए हैं। हाँ, तो ये तो गुंडागर्दी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई है जो साजिश के तहत ये तोड़ने को जो है लगाया गया है। आम लोगों को संविधान के बारे में जानकारी देना, उनके जीवन में संविधान का महत्व बताना, लोगों और सरकार के अधिकारों तथा कर्तव्यों को बताना, संवैधानिक लोकतंत्र के बारे में बताना जिससे एक सशक्त भारत राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का संकल्प करने के लिए सभी को प्रतिबद्ध करने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान 2018 से शुरू किया गया है। देश के लगभग 350 जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2023 को सुबह 8:30 बजे भड़कल गेट पर प्रथम जिला पथ संचलन का आयोजन किया गया है और क्रांति चौक पर गणसभा से इसका समापन होगा। प्रत्येक या देशातल्या सर्व लोकांनी काही निवडक जर 3% 4% जर सोडले तर त्यांना हे संविधान नको आहे आणि त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आपल्याला हे संविधान समिती स्थापन आपण केलेली आहे जी पूर्ण भारतभर झालेली आहे। भारतभर आज एक्झिक्युशन त्याचं चालू आहे की जेणेकरून
हे संविधानावर जो हल्ला होत आहे तो हल्ला थांबावा आणि यासाठी आपण येत्या रविवारी म्हणजे 26 नोव्हेंबरला मोठ्या प्रमाणामध्ये मग त्यामध्ये सर्व पक्ष इन्क्लूड आहे सर्व संघटना इन्क्लूड आहे अशा रीतीने हा संदेश पूर्ण भारतभर जाण्यासाठी इथून प्रचंड प्रमाणामध्ये ही यात्रा संविधान यात्रा पथसंचलन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून सकाळी 9 वाजता सर्व पक्ष समाविष्ट होती सर्व संघटना त्यामध्ये समाविष्ट होती आणि ती नंतर शाहू महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करेल महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करेल आणि नंतर तिथे शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून त्या ठिकाणी मान्यवरांचं खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ए टू जेड सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग अपने शहरवासियों के लिए ले आया है दशहरा स्पेशल ऑफर। आपके पास की पुरानी सिलाई मशीन ले आइए और हमारे पास से नई सिलाई मशीन ले जाइए। जल्दी करें, हमारा पता है ए टू जेड सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग, रॉक्सी सिनेमा कॉर्नर, पैठन गेट। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश, तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ ₹250 से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीम लाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। शहजाद साले फरहान बिन हिलाबी, उम्र 19 साल, रहने वाले संजय नगर, करंट एड्रेस नारेगांव, ये घनसावंगी यहाँ अपने रिश्तेदारों के घर 17 नवंबर को गया था। वहीं पर शहजाद ने चाकू से खुद पर वार करके आत्महत्या की, ऐसा शहजाद के पिताजी को फोन द्वारा बताया गया। शहजाद के पिता के कंप्लेंट पर शहर के गंजे शहीदा कब्रस्तान से शहजाद की बॉडी को घनसावंगी फॉरेंसिक पथक ने कब्र से निकाला और जांच के लिए भेज दिया। इस मौके पर नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। जांच के बाद ही सच सामने आएगा कि ये आत्महत्या है या हत्या और इसके पीछे असल वजह क्या है। जो बच्चे का इंतकाल हुआ उसको उसके जिसने उनको वहाँ से घनसावंगी से यहाँ लाए तो उन्होंने ये बताया कि ये बच्चे ने जो है तो सुसाइड कर लिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सुसाइड करने वाला जो रहता है एक बार मारता या हाथ काट लेता या गला काट लेता, लेकिन बच्चे के आंख पे जो है तो 6 से 7 जख्म के निशान थे और जो है तो बाप जो है तो समझने और सुनने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन हुआ ये कि जो मर्डरर के जो हमारा ऐसा मानना है कि जिसने बच्चे को कत्ल किया उसके वालिद ने जो है तो खामोशी में लाके गड़बड़ और घई करके जो है तो बच्चे को लाके 8 बजे ये वाकया हुआ और 11 बजे तक उसको दफना दिया गया। 20 दिन पहले बच्चे ने मेरे साथ में प्लेट में मेरे घर में खाना खाया, मैं सबके सामने बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो बच्चा सुसाइड कर सकता बोल के, क्योंकि एक एक बात वो बच्चा हमारे को बताता था। तो मैं जो तो सरकार से जो तो विनती करता कि उसको बच्चे को इंसाफ मिलना, क्योंकि उसके माँ बाप भी जो तो थोड़ा सदमे में थे तो बोल नहीं पाए। लेजर कॉन्टूरा, इस अत्याधुनिक उपचार पद्धति से बढ़ती उम्र के लोगों के दोनों आंखों का एक साथ ऑपरेशन किया जा सकता है। ये यंग जनरेशन जो अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहती है, जैसे MPSC UPSC के स्टूडेंट्स जो रात दिन पढ़ाई करते हैं, उन्हें भर्ती के समय आंखों की कमजोरी के कारण रिजेक्ट किया जाता है। लड़कियों के शादी की समस्या, मोतियाबिंद जैसे अनेक समस्याओं से अब लेजर कॉन्टूरा उपचार पद्धति से दूर किया जा सकता है। ये जानकारी डॉक्टर प्रकाश कांकरिया इन्होंने मीडिया को दी। लेजर जो कॉन्टूरा बोलकर लेजर है, इससे ये लोगों की समस्या दूर करते हैं। ये दुनिया का सबसे अत्याधुनिक लेजर उपचार पद्धति है जिसमें सिर्फ चश्मा ही नहीं जाता है तो चश्मे से ज़्यादा हाई डेफिनेशन विजन बोलते हैं कि चश्मे में 100% दिखता है तो इनमें 110% 120% विजन ज़्यादा मिलता है। इसका नाम ही कॉन्टूरा क्यों है, क्योंकि आँखों का जो कॉर्निया जो है दीदा बोलते हैं उसका जो कॉन्टूर है वो ये परफेक्ट करता है नंबर उतारने के लिए। और वो कॉन्टूर चेंज करने से नंबर पूरा 100% चले जाता है। और सबसे मेन अभी काफ़ी लोगों को 50-55 के उम्र के बाद जिनको चश्मा है उनको कुछ दिनों में मोतियाबिंद होने वाला है। ऐसे लोगों को हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज करते हैं, आँख के अंदर की जो लेंस है जिसकी उम्र अभी ये ढलान पे आ गई है कि कुछ दिनों में उनको मोतियाबिंद होने वाला है, तो उनके आँखों के अंदर के लेंस एक्सचेंज कर देते हैं जिसके कारण उनको 130 साल मोतियाबिंद नहीं होता है। 130 जो लेंस अपन जो रिप्लेस करते हैं जो एक्सचेंज करते हैं उसको
130 साल की उम्र है, यानी जिंदगी भर मोतियाबिंद नहीं आता है और जिंदगी भर चश्मा भी नहीं आता है। आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN TV नेटवर्क।